भारत की पवित्र नगरी काशी को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। काशी में कुल 84 घाट हैं, जिनमें से कई ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व भी रखते हैं, तथा उन्हीं में से एक है हरिश्चंद्र घाट, जहां राजा हरिश्चंद्र ने की थी नौकरी। आज हम आपको इस वीडियो में हरिश्चंद्र घाट के इतिहास, महत्व व वर्तमान की जानकारी देंगे। वाराणसी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी की धरती पर शरीर त्यागने से सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा काशी के उत्तर वाहिनी गंगा नदी के तट पर शवदाह संस्कार के लिए दो घाट प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है मणिकर्णिका घाट व दूसरा है राजा हरिश्चंद्र घाट। काशी का यह हरिश्चंद्र घाट केदार घाट एवं प्राचीन हनुमान घाट के मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार रात दिन किए जाते हैं, तथा इस घाट का इतिहास राजा हरिश्चंद्र से जुड़ा है। बता दें कि भगवान श्री राम भी राजा हरिश्चंद्र के रघुकुल में ही जन्मे थे। जिस कालू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, उस डोम राजा परिवार के पूर्वज कालू डोम चौधरी थे। कहा जाता है कि ये वही कालू डोम थे जिन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। हरिश्चंद्र घाट के समीप में ही यहाँ के राजा काशी नरेश ने बहुत भव्य भवन डोम राजा के निवास हेतु दान किया था। यहाँ रहने वाला डोम राजा का परिवार स्वयं को पौराणिक काल में वर्णित कालू डोम का ही वंशज मानता है। जानकारी के लिए बता दें कि डोम राजा का ये राजा नाम उनके परिवार ने खुद नहीं रखा था, अपितु जनता ने उनके परिवार को ये नाम दिया था, तथा कालांतर में डोम राजा का परिवार धीरे धीरे बहुत बड़ा होता गया और इस समय यह लगभग 150 लोगों का परिवार है, जो न केवल काशी अपितु जौनपुर, बलिया व गाजीपुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी रहते हैं और दाह संस्कार के कार्य कराते हैं। काशी वो स्थान है जहां मृतक को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ इन डोम राजा का महत्व भी बड़ा है। हरिश्चंद्र घाट पर चीता के अंतिम संस्कार हेतु सभी सामान जैसे लकड़ी, कफन, धूप, राल इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। हरिश्चंद्र घाट पर ही राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारामती व उनके पुत्र रोहताश का भी बहुत पुराना मंदिर है। इसके साथ ही इस घाट पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर भी है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बाबा कालूराम और बाबा कीनाराम ने अघोर सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसी मंदिर पर निशा आराधना की थी। बता दें कि कोरोना से मृत लोगों का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर ही किया जा रहा है। यहाँ CNG से भी शवदाह की सुविधा है। वाराणसी के अतिरिक्त अन्य जनपदों के लोग भी शव लेकर दाह संस्कार के लिए यहीं पहुँचते हैं। इसका कारण यह भी है कि CNG से अंतिम संस्कार में कम खर्च तो आता ही है, और वहीं वाहनों की घाट तक सुगम पहुंच भी इस घाट पर शवों की संख्या में वृद्धि कराती है। बता दें कि बीते बुधवार को 300 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, तथा CNG शवदाह गृह के दोनों चैम्बर खराब हो जाने के कारण से स्थिति भयावह हो गई थी। लोग लकड़ियों से ही संस्कार करने पर विवश हो गए। इसके कारण से घाट पर दूर दूर तक चिताएं ही दिखती रहीं, जिसे कि कई मीडिया व चैनलों द्वारा इस स्थान के उसी दृश्य को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया, जो कि विदेशी मीडिया के फ्रंट पेज पर भी आया। हमारी सुझाव में हमें स्वयं को सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र के नाम से इस घाट का नाम पड़ा। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कभी सत्य की चर्चा होती है, तब तब राजा हरिश्चंद्र का नाम अवश्य ही लिया जाता है। सूर्यवंशी सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र सत्य का प्रतीक माने जाते हैं। सत्य के लिए इन्हें कई कष्ट सहने भी पड़े थे। सत्य बोलने और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी। इनकी पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहित, तथा राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि को देखते हुए ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। राजा हरिश्चंद्र जो एक बार प्रण कर लेते थे, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है।
अगले ही दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो राजा ने सपने की बात ऋषि को बताई और सारा राजपाट उन्हें दे दिया। और राजा अपने पूरे परिवार के साथ जब राजमहल से जा रहे थे तभी ऋषि विश्वामित्र ने राजा से स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। तब राजा ने कहा कि वह राजकोष दान कर चुके हैं, जिस पर कि ऋषि ने कहा कि दान की गई चीजें वापस दान में नहीं दी जाती। तब राजा की पत्नी तारा ने अपने पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की, परंतु वे भी पूरी नहीं हो पाईं। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और उनसे जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की उनको जाकर विश्वामित्र को दान में दे दी और अपनी मर्यादा को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने जहाँ खुद को बेचा था वह शमशान घाट चंडाल का था, जो कि अंतिम संस्कार का कार्य कराता था। एक दिन सर्प के काटने से राजा के पुत्र रोहित की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी तारा अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। परंतु उस समय राजा इसी घाट पर काम करते थे और नियमानुसार घाट पर अंतिम संस्कार के लिए राजा ने अपनी पत्नी को कर चुकाने के लिए कहा। तब उनकी पत्नी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर को चुकाया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। तभी उस समय आसमान से एक बिजली चमकी और उसकी रोशनी में राजा ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा और अपने पुत्र का शव देखकर भावुक हो गए। परंतु फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अपने परिवार की ऐसी हालात को देखकर राजा को अंदर से हिला कर रख दिया। उस दिन एकादशी का व्रत भी था। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए हमने अपना राजपाट, महल और अपने परिवार को बेच दिया, आज उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। तब आसमान से आकाशवाणी हुई और भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को अपने जीवन में आदर्श रूप में स्थापित किया है। तुम इतिहास में अमर रहोगे और सत्य के साथ रहते हुए तुम हर परीक्षा में जीत जाओगे। राजा ने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, यदि वास्तव में मेरे कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण है तो इस स्त्री के पुत्र को आप जीवन दान दीजिए। इतना कहने पर ही रोहित जीवित हो उठा और ईश्वर ने संपूर्ण राजपाट भी उन्हें सौंप दिया तथा राजा हरिश्चंद्र जिस घाट पर काम करते थे वह कालांतर में काशी के इस राजा हरिश्चंद्र घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहीं लोकसभा चुनाव के समयावधि में पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी उसी डोम राजा के परिवार में से ही एक थे, जिनकी मृत्यु पिछले वर्ष ही हुई एवं उन्हें श्रद्धांजलि रूप में 5001 दीप अर्पित भी किए गए थे, जिसमें कि पीएम मोदी ने भी भाग लिया था। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ से हम सबकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ नई वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।